हाय, मैं हूं मंत्रा, ये है मेरे फ्रेंड मनीष पॉल और आप सब सुन रहे हैं। क्या कर रहे? सॉरी यार, वो रेडियो और टीवी पे साथ में आ रहा हूँ ना आजकल, इससे कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं देख रहे हैं। करनी नहीं छोड़ेगा। वैसे तेरे को एक बात बताऊं, एक कहावत है। क्या कहावत है? कि मेंढक जो है ना, हाँ? वो चाहे पानी के बाहर हो, हाँ? चाहे अंदर, उसका काम है टर-टर करना। अभी तू टर-टर करना बंद करेगा, यहाँ पर आपस में झगड़ने के लिए नहीं आए। और अब हम करते हैं शुभारंभ हमारे माइलस्टोन अवार्ड्स का। इस दशक के शुरुआत में टेलीविजन पर आया एक ऐसा सीरियल जिसने हमारी फैमिली इमोशंस, हमारी परंपराओं को घर घर में एक बार फिर जिंदा कर दिया। ये सीरियल अपने साथ लाया वो ग्लैमर और चकाचौंध जो इससे पहले सिर्फ सूरज बड़जात्या या फिर करण जौहर की फिल्मों में देखी जाती थी। अपनी इन्हीं सारी खूबियों की वजह से इस सीरियल को दिया जा रहा है ये माइलस्टोन अवार्ड। और ये सीरियल है, वेल नो गेसेस अबाउट दिस, इट्स बालाजीज मोस्ट हैपनिंग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस सास बहू के बेहद खास सीरियल को अवार्ड देने के लिए हम मंच पे बुलाना चाहेंगे मेघना मलिक एंड उल्का गुप्ता को। एंड वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज सुधा शिवपुरी, अपरा मेहता, अमर उपाध्याय, शिल्पा सखलानी एंड सुमित सचदेव टू एक्सेप्ट द अवार्ड। देखिए, ज़्यादा भाषण मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बाहों सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद दे सकती हूँ और ITA को इतना बड़ा आशीर्वाद है, किसने हमें इतना बड़ा अवार्ड दिया है। I am very proud to be the part of one show which changed the history of Indian television. Thank you so much. माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, जो आपको बताता है कि आपने कितने मीलों का सफर तय कर दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं शायद कहूँ कि आपको ये भी बताता है कि आगे कितना लंबा सफर बाकी है। इसलिए आशा करती हूँ कि सफर में आप निरंतर मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू।